हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन K-6। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम पाली यानी कि आज है 28 सितंबर और बहुत जगह एग्ज़ाम हुए हैं कैंसिल। जैसे कि यूपी में आगरा का एग्ज़ाम कल कैंसिल था, भोपाल में अभी तक कैंसिल है, उड़ीसा में कैंसिल है, तो बहुत सारे जोन के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। उनका डेट जो है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया है, तो आप लोग एक बार ज़रूर जाकर वहाँ अपने एग्ज़ाम डेट्स देख लीजिएगा। जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम था आज, उन्होंने कुछ प्रश्न भेजे हैं जो कि आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं ग्रुप डी के इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की प्रथम पाली 28 सितंबर के इस एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, हम आपको सारे प्रश्न दिखलाते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम कुछ ऐसे प्रश्न से जो कि जीके से भी है और जीएस से भी है, और मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको अगर चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट successkey98.in पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको सारे के सारे मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर एशियन, यहाँ पर पूछा गया 2017 में मिस यूनिवर्स इंडिया जो थी वो कौन थी, तो उनका नाम बताना था। यहाँ पर उनका नाम है डेमी लेग नेल पीटर्स। जी हाँ दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं और ये 2017 में जो मिस यूनिवर्स हुआ था इंडिया में वो हुआ था 66, ठीक है, 66वां ये जो समारोह था मिस यूनिवर्स इंडिया का ये हुआ था और इन्होंने जीता था, जो कि साउथ अफ्रीका से ये बिलोंग करती हैं, डेमी लेग। जी हाँ, नील पीटर इनका पूरा नाम है, डेमी लेग नील पीटर। चलिए आगे बात करते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है दोस्तों। यहाँ पर इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि अकबर के जो वित्त मंत्री थे उनका नाम क्या था, तो देखिए राजा टोडरमल जो थे वो उनके वित्त मंत्रालय के एक मंत्री थे जो कि कर वसूलते थे, प्रजा से कर वसूलते थे, ऐसे व्यापारियों से वो कर वसूलते थे, जो ज़्यादा कमाई करेगा वो अपना कर भरेगा, तो टैक्स की प्रथा क्या है ना, तो टैक्स भरने की प्रथा एक समय अकबर के समय से ही चालू है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि थर्ड बैटल ऑफ प्लासी ये कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था दोस्तों 1757 ईस्वी में और इसमें कलकत्ता को जीता गया था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो डेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को हर साल, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है भारत का। NDRF का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, तो NDRF का फुल फॉर्म है द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज, ठीक है। क्या है नाम इसका, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इसका फुल फॉर्म है। अगर जो भी कैंडिडेट ने इस पर क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा था कि STD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्चुअली देखो STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एक या एक तरह का गुप्त कह सकते हैं इसको, गुप्त बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, मतलब ट्रांसमिट होता है एक दूसरे में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे डिजीज होते हैं ऐसे, तो नाम वहाँ पर लेना बहुत सारी चीज़ों का। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये STD का फुल फॉर्म यहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रंक डायल तो नहीं है ना, तो अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों तो नहीं दे सकता है, कोई तो एक दिया होगा, तो दोनों में से अगर किसी एक में दिया होगा तो उस पर जो भी क्लिक किया है उसका आंसर सही है, या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या तो फिर स्टैंडर्ड ट्रंक डायल, जो कि आपके टेलीफोन से रिलेटेड ये प्रश्न होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि अर्जुन पुरस्कार से कौन संबंधित है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह के थे, एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं हो पाया ये क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन था कि अर्जुन पुरस्कार से कौन संबंधित है। अगर वहाँ पे खिलाड़ियों के नाम दिए गए होंगे तो जिनको अर्जुन पुरस्कार 2017 में मिला है उसका पूछा गया था। देखो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है क्वेश्चन को, यहाँ पे थोड़ा सा काटा था क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न था इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पूछा क्या है, पर फिर भी मैंने सोचा कि दोनों चीज़ें बता दूँ आपको, क्योंकि आगे एग्जाम में आपके ये फायदा हो सकता है। अगर ये पूछेगा कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये खेल से संबंधित है, और अगर पूछा होगा कि 2017 में
कौन से विजेता हैं, मतलब चार ऑप्शन दिए होंगे खिलाड़ियों के, उनमें से वही होंगे जिनको अर्जुन पुरस्कार मिले। तो अर्जुन पुरस्कार तो बहुतों को मिले हैं, सुरेंद्र सिंह हैं और फिर एक दो और नाम थे, मुझे ध्यान नहीं है उनका, ठीक है। तो वो सारे पुरस्कार उन लोगों को मिले हैं, तो सबका नाम तो नहीं दे सकता है, अगर जिनको मिला होगा उन्हीं को ये अवार्ड, उनका नाम यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल कितने इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है? तो देखो ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है अब बिहार के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वेस्ट बंगाल का जब पूछ दिया तो बिहार का भी एक बॉर्डर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, वो है नेपाल, ठीक है। पर यहाँ पे पूछा है बंगाल का, तो बंगाल में भी तीन स्टेट हैं, तीन ऐसे कंट्री हैं जो कि इसके इंटरनेशनल बॉर्डर में जुड़े हुए हैं। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल और तीसरा है भूटान। तो ये तीन कंट्री जो हैं ये जुड़े हुए हैं किससे, तो वेस्ट बंगाल के इंटरनेशनल बॉर्डर पे। चलिए अब आगे कुछ और प्रश्न है जो जिसपे मैं चर्चा करने वाला हूँ आप लोगों से। ये क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई ऑफ तंत्रिका तंत्र, ठीक है, मतलब ऐसा यूनिट पूछा है तंत्रिका तंत्र का, तो ये होता है न्यूरॉन। वहीं पे किडनी का भी पूछ दिया है, तो ये होता है नेफ्रॉन। ध्यान रखिएगा ये एसआई यूनिट तंत्रिका तंत्र के पूछ रहे हैं, यहाँ पे फिजिक्स से रिलेट मत कीजिएगा इसका, ठीक है। अगर ये पूछा है तो तंत्रिका तंत्र का, तो ये होता है न्यूरॉन, और यहाँ पर किडनी का यानी कि विक्र कहते हैं उसको हिंदी में, तो इसको कहते हैं, इसका है नेफ्रॉन, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर एसडीटी का फुल फॉर्म, ठीक है, इसको मैंने बता दिया अभी। एड्स कैसे रिलेटेड है, ठीक है, एड्स कैसे होता है, तो ये ऑप्शन था वहाँ पर एचआईवी के थ्रू ये होता है, ठीक है, रेट्रोवायरस होता है जिसका नाम है एचआईवी, ठीक है। ये सेक्सुअली अगर ट्रांसमिटेड डिजीज़ है एक तरह का, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही चैप्टर से, तो आई थिंक मुझे लगता है कि एसटीडी का जो फुल फॉर्म पूछा गया है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ही वहाँ पर ऑप्शन होंगे, ठीक है, तो ये कन्फर्म हो गया है आई थिंक यहाँ पर, तो आई थिंक मुझे लगता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है ये पूछा गया है, पीरियोडिक टेबल से मैंने बात की थी आप लोगों से कि पूरा पढ़ के जाना है, आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी भी पढ़ लीजिएगा, और सब कुछ जितने भी एलिमेंट हैं उनका ग्रुप है, कौन से ग्रुप में कितने हैं, गैसेस के ग्रुप को क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ताकि ये प्रश्न वहाँ पे पूछे जा रहे हैं तो आप आंसर सही से करके आ जाओ। तो देखो 16वां जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है सल्फर का, ओके दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको। अब कुछ प्रश्न है कि देखिए बाल विकास मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो बाल विकास मंत्री जो है ये पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट कब, 22 सितंबर के, तो आंसर है बच्चे मेनका गांधी, जी हाँ मेनका गांधी हैं बाल विकास मंत्री, और एडोब के सीईओ, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, और ये है संतानु नारायण, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है। अल्काइन का फॉर्मूला क्या था, ये देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, यानी कि क्वेश्चन का रिपीटेशन एटलीस्ट मान लो अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, तो सोचो कितना आपके लिए फायदेमंद है पिछले शिफ्ट का पेपर देख कर जाना, ठीक है दोस्तों। अल्कालाइन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा अल्कली मेटल होता है, तो देखो वहाँ पे ऑप्शंस नहीं थे मुझे पता कि कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए, अगर सोडियम पोटेशियम के ग्रुप के जो भी होंगे तो वो अल्कली मेटल्स होते हैं बच्चे, उसका नोट कर लीजिएगा आप, वहाँ पे टिक करके आइएगा वहाँ पे, ओके। कैपिटल ऑफ क्रोएशिया तो ये है जेग्राब, ठीक है, ना नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और जेग्राब इज द राइट आंसर। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं अभी तक, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि एक्सरे की खोज, देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले शिफ्ट्स में, डब्ल्यू रियोटंग इनका नाम है जो जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। चलिए आगे अब बात करते हैं, कुछ प्रश्न है और, पोलियो की खोज यानी पोलियो की टीका की खोज किसने की थी, तो ये हैं जॉन ई शॉल्क हैं जिन्होंने पोलियो के टीका का खोज किया है। अगला सवाल देखते हैं, ई विन परियोजना का किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, ई विन, ठीक है, ये ई एक्चुअली छोटा है और विन बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये है टीकाकरण से संबंधित, तो जिनने भी इस पर क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक प्रश्न पूछा गया था फिजिक्स साइंस से, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर एक न्यूमेरिकल था जिसका देखिए फॉर्मूला है, इस पर वो फॉर्मूले पर बैठ के वह सारा क्वेश्चन बन जाता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। मास दिया हुआ था उसका, वेलोसिटी दिया हुआ था, तो 1/2 into mv² होता है काइनेटिक एनर्जी,
तो आपको आंसर यहाँ से निकल जाता। मानव ने सर्वप्रथम धातु किसकी खोज की थी? तो देखो तांबे की खोज की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हर साल जब भी एग्जाम हुए हैं ग्रुप डी वगैरह या रेलवे की तो ये पूछता ही पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल क्वेश्चन कह सकते हैं इसको रेलवेज के लिए। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? तो देखो यूरेनस ग्रह को कहते हैं हिंदी में अरुण, ठीक है। नौ ग्रह हैं जिसमें कि एक हमारा यूरेनस भी है, तो इसकी खोज की थी विलियम हार्सल ने, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने जितने भी ग्रह हैं उन सब के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन कितनी दूरी पे है, क्योंकि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि बरमुडा की राजधानी पूछा गया है, तो ये है हैमिल्टन, ठीक है। बरमुडा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो हैमिल्टन, नोट कर लीजिएगा, मे बी क्वेश्चन रिपीट कर जाए। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है? तो यहाँ होता है 21%। ये पृथ्वी की बात कर रही की जा रही है, तो देखो अगर ऑक्सीजन का पूछा है तो नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है कि ये पूछ दे कि नाइट्रोजन का कितना होता है वायुमंडल में। तो सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का 78%, ओके। 21% होता है ऑक्सीजन, और जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे वायुमंडल में वो है 0.01%, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, लगभग ना के बराबर है। पर अब बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन के चलते इसको फैल रहा, तो हो सकता है कि जब इसकी काउंटिंग हो जाएगी, जब इसकी एक तरह से देखा जाएगा, इसको मापा जाएगा, तो ये बढ़ सकता है अभी भी, ठीक है। तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 0.01 समथिंग कुछ हमारा CO2 है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। अगला सवाल देखते हैं, रेगान थीटू पक्षी है अभ्यारण, एक मतलब कह सकते हैं जंगल है ये रेगांग थीटू, ये पक्षी अभ्यारण कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है उड़ीसा में दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभ्यारण से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप एक और देख लेना, बेतला का पूछ सकता है कि ये कहाँ पे है, तो ये है झारखंड में, क्योंकि बहुत फेमस है और अभी थोड़ा सा न्यूज़ में भी है बेतला अभ्यारण, ठीक है, बेतला पक्षी अभ्यारण वो भी है, तो वो है आपका झारखंड में। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है। किसी व्यक्ति का भार सबसे कम कहाँ होता है? तो देखो मैंने आपको पिछला भी क्वेश्चन बताया था, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था कि किसी व्यक्ति का भार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये पूछा गया था, और वही पूछ दिया गया कि सबसे कम कहाँ होता है, तो ये होता है भूमध्य रेखाओं पे, ठीक है। जहाँ जहाँ भूमध्य रेखा होगा वहाँ पे व्यक्तियों का जो भार होगा वो कम होगा, और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा तो ध्रुवों पे कहाँ पे होता है, तो ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है पृथ्वी का। तो ये अगर पृथ्वी पे यहाँ पर जाए कोई भी मनुष्य तो उसका भार उससे बढ़ जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए आई थिंक ये जो प्रश्न थे फिजिक्स साइंस और देखा जाए तो केमिस्ट्री साइंस है, तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंसिंग है, ठीक है। बायो साइंस से आज क्वेश्चन बहुत ही कम है, आगे देख लेते हैं कुछ और प्रश्न है। अस्थायी चुंबक, देखो ये भी फिजिक्स साइंस से है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया है? तो ये नर्लोक का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। और टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? तो ये पाया जाता है स्त्रियों में, यानी कि फीमेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और इसकी संख्या होती है 45 एक्चुअली, ठीक है। ये एक तरह का क्रोमोजोम है, और टर्नर सिंड्रोम जो बढ़ने के चलते जो बच्चे पैदा होते हैं वो होते हैं अपाहिज, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसका। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम बताना था यहाँ पर, तो ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और ये पहले हमारे गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न पूछे गए थे, और इनसे रिलेटेड हो सकता है कि आपका सेकंड जो शिफ्ट होने वाला है उसमें प्रश्न पूछा जाए, या थर्ड शिफ्ट में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।